साल की हुई है दमदार शुरुआत, भारतीय बाजार की बात करें या फिर ग्लोबल मार्केट्स की। पिछले दो सालों में हमने जबरदस्त एक्शन देखा है, कोरोना की वजह से काफी उतार चढ़ाव भी बना, पर अब 2022 के लिए कौन से बड़े ग्लोबल फैक्टर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर, किस तरह की रहेगी FIIs की चाल और कौन से बड़े ट्रिगर्स उभरते हुए आ रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर करेंगे चर्चा और 2022 का आउटलुक भी लेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट में एज ऑलवेज अजय बक्का साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, और हर महीने की शुरुआत में तो हम आपके साथ ये शो जरूर करते हैं, बट इस बार स्पेशल इसलिए क्योंकि महीने के साथ साथ पूरे साल का आउटलुक भी आपसे लेना है। तो पहला सवाल तो सर यही बनेगा, इस साल का आपका क्या नजरिया है, कौन से कुछ ऐसे बड़े ग्लोबल फैक्टर्स हैं जहां पर आपकी नजर होगी? जी दीप, सबसे पहले नव वर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू बहुत ये शो करने के लिए मेरे साथ। दीप, ओवरऑल इस साल में जो मुद्दे सबसे अहम रहेंगे वो रहेगा एक इन्फ्लेशन कहां तक जाता है, उसके चलते सेंट्रल बैंक्स का रिवर्सल इन पॉलिसी के वो एकोमोडेटिव या लूज पॉलिसी से टाइट पॉलिसी की तरफ अग्रसर रहेंगे और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो इंटरेस्ट रेट्स का क्या इंपैक्ट आता है मार्केट्स पे, ये दो। और हमने दीप लगभग 55 2022 के आउटलुक्स एनालाइज किए पिछले एक महीने में प्राइवेट बैंक्स के और इन्वेस्टमेंट बैंक्स के और सेल साइड ब्रोकर्स के, साथ में बाय साइड फंड्स की भी लेटर्स जैसे जैसे आ रही हैं हम एनालाइज कर रहे हैं। तो सबसे अहम मुद्दा जो आ रहा है दीप वो है इन्फ्लेशन का, दूसरा है सेंट्रल बैंक्स का रिवर्सल जो टाइटनिंग आने वाला है सेंट्रल बैंक्स की तौर पे, और विश्व का जो सेंट्रल बैंक है US फेड सबसे बड़ा बैंक जो है उसका जो पॉलिसी में फेरबदल आ रहा है उससे मार्केट्स पे क्या इंपैक्ट आएगा, ये दो सबसे अहम मुद्दे हैं। इसके आगे है ग्रोथ थोड़ी धीमे होगी, बोथ कॉर्पोरेट अर्निंग्स की भी और इकोनॉमीज की भी ग्रोथ पिछले साल से कम रहेगी, और चौथा एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि चीन में क्या होता है, चीन में स्लोडाउन है तो चाइना इन्वेस्टमेंट और US कंज्यूमर, ये दो रहते हैं सबसे बड़े कैटलिस्ट ग्लोबल ग्रोथ के। अमेरिकन कंज्यूमर किस तरह से कंज्यूम करता है और चाइना की कंपनियां इन्वेस्ट किस तरह से करती हैं, तो अगर चाइना में स्लोडाउन है उसका इंपैक्ट रहता है कमोडिटीज पे, उसका इंपैक्ट रहता है ग्लोबल इकोनॉमी पे। तो ये चार मेन मुद्दे हैं दीप। बिल्कुल, तो ये चार कुछ बड़े मुद्दे आपको निकल कर आ रहे हैं, जो इजी मनी, जो हम लिक्विडिटी इतनी सारी के यूज टू हो गए थे, वो इस साल वापस जाती हुई आपको दिखेगी और दरें बढ़ाने की भी तैयारी में। तो सर उसका फॉलोअप भी यही सवाल बनेगा कि अब नए साल के लिए इन्वेस्टमेंट आउटलुक कैसे बनाना है, क्योंकि पिछले दो साल से ना सिर्फ हमारे बाजार बट ग्लोबली भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लगातार तीन साल से US मार्केट्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, हमारे बाजार में लगातार निफ्टी छः साल से पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है, कई सारे नए निवेशक जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक करेक्शन नहीं देखा और ज़्यादातर मुनाफे में ही है अपने पोर्टफोलियो में, तो ये साल कैसा रहेगा उनके लिए और अगर अपना नया इन्वेस्टमेंट आउटलुक बनाना है तो क्या करना चाहिए? बहुत अहम सवाल है दीप, और मेरा यही कहने का मेन प्रायोरिटी यही है कि आप बने रहिए मार्केट में, मार्केट से निकलना नहीं है, क्योंकि जो कॉस्ट है मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करने की वो बहुत ज़्यादा है। तो ये नहीं पता मार्केट किस तरफ जाएगा, हम सिर्फ इसमें प्रोबेबिलिटीज ही असाइन कर सकते हैं, और जो मेरी रिसर्च है दीप, 1955 से अगर आप US के इंटरेस्ट रेट साइकिल बढ़ते देखें तो 12 महीने तक तो मार्केट आउट परफॉर्म करता है, लेट साइकिल में जाके 2 से 3 साल के बाद हम देखते हैं मार्केट करेक्शन आता है, बट पहले 12 महीने तो लगभग 15 रेट साइकिल्स जो मैंने एनालाइज किए उसमें से 13 रेट साइकिल्स में मार्केट बढ़ा ही। दूसरी बात यह है दीप कि मार्केट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, आपको अगर एनालाइज करना है 1994 और 2004, ये दो अहम एक टाइटनिंग साइकिल रहे थे US में। 1994 में एलन ग्रीनस्पैन का जो सेंट्रल बैंक था वो मार्केट को सरप्राइज करना चाहते थे, और हर वक्त वो ऐसे कहते थे कि हमें ओपेक रहना चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए हमारे दिमाग में क्या है। तो 1994 में उन्होंने एकदम से 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किया और 2 साल में लगभग 3% रेट बढ़ा के ले गए, तब मार्केट गिरे थे, और उसके चलते एमर्जिंग मार्केट से भी आउटफ्लो हुआ था, तो क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन हुआ और ओवरऑल रिस्क ऑफ हो गया।
2004 में बेन बर्नैनके काफी देर तक बैठ चुके थे फेड के बोर्ड पे, वो ग्रीनस्पैन के ऊपर बोलते जा रहे थे कि हमें ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। और 2004 में अगर दीप देखें तो 25 बेसिस पॉइंट हाइक हुआ, बहुत धीरे धीरे हाइक हुआ और उसके चलते मार्केट्स बढ़ते गए। 2003 से 2007 का बहुत जबरदस्त मार्केट बढ़ा था, इमर्जिंग मार्केट्स भी, भारत भी बहुत तेजी से बढ़ा। तो रेट्स बढ़ाने के बावजूद, और इसका एक और कारण था वैल्यूएशंस। 1994 में इमर्जिंग मार्केट्स के वैल्यूएशंस बहुत हाई लेवल पे थे, 25 टाइम थे, और देखा कि मार्केट्स गिरे। बट 2004 में इमर्जिंग मार्केट्स .com के बाद जस्ट सुधर रहे थे और हमने देखा कि वो उन पे इम्पैक्ट नहीं हुआ। आज के दिन में अगर आप वैल्यूएशन देखें, अगेन 2004 का ही सिनेरियो है कि बहुत देर से जिम पॉवेल कहते आ रहे हैं कि हम टेपर करेंगे, हम रेट बढ़ाएंगे, उन्होंने टाइम दिया, पारदर्शिता है बिल्कुल। दूसरा, वैल्यूएशन वाइज यूएस की वैल्यूएशन कहीं ज़्यादा है, 21 टाइम फॉरवर्ड चल रहा है, जबकि इमर्जिंग मार्केट 12 टाइम है, चीन 8 टाइम है, हाँ भारत भारत 25 टाइम है, तो भारत ज़्यादा है, ये जरूर कहना पड़ेगा कि भारत ज्यादा वैल्यूएशन है, और यही कहीं फॉरेन ब्रोकरेजेस ने सितंबर से कहा है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि एफआईआईज का क्या रुझान रहेगा। तो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ते हैं यूएस में, पहले 12 महीने अच्छा ही प्रदर्शन होता है। ओवरऑल हमारी रिसर्च क्या दिखा रही है, जब रेट बढ़ना शुरू होते हैं उस दिन से 12 महीने तक यूएस मार्केट अच्छा प्रदर्शन देता है, ग्लोबल मार्केट्स अच्छा प्रदर्शन देते हैं। तीसरा, जब इन्फ्लेशन पीक आती है तब 12 महीने मार्केट्स ठीक रहते हैं। तो हमें लगता है अभी मोहलत है इन मार्केट्स के पास 12 से 24 महीने की दीप, कि ये मार्केट्स अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा हाई है, बट वॉलिटिलिटी रहेगी, कमज़ोर ग्रोथ रहेगी, वैल्यूएशंस हाई हैं, इसके चलते आप देखेंगे उतार चढ़ाव ज़रूर रहेंगे मार्केट्स। बिल्कुल, तो एक वन वे रैली जो हमें इस्तेमाल हो गए हैं, यूज टू हो गए हैं, वो शायद इस साल नहीं रहे, बट पॉजिटिव रुझान ज़रूर बाजार का रहना चाहिए और परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, ये एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात बग्गा साहब आपसे कर रहे हैं। अच्छा सर, इसमें कमोडिटीज़ का क्या रोल रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की बात करी हमने और इसके साथ ही सबसे बड़ी चिंता पिछले साल की तो कमोडिटी की थी, क्या इस साल भी कमोडिटीज़ चिंता बनी रहेंगी या जो पिछले कुछ महीने में हमने कूल ऑफ देखा है उन लेवल्स के आसपास रहेंगे? बहुत बहुत बढ़िया एक सवाल है, और स्पेशली भारत जैसे देश के लिए जहां हमारे बहुत बड़े रेवेन्यू इंपैक्ट आता है कमोडिटीज़ के कारण, तो दीप ये हमें इसको थोड़े पहलुओं में लेना पड़ेगा। सबसे पहले तेल, जो आउट परफॉर्मर था लास्ट ईयर, इस साल जो हमने स्टडी किया है अबाउट 60 रिपोर्ट्स का, $117 से $75 का अनुमान लोग दे रहे हैं। मेरी जो सोच है कि इसी लेवल के करीब रहेगा तेल, सप्लाई नहीं आ रही, नई सप्लाई आनी रुकी हुई है, ईरान का लगता नहीं कि कुछ करार होगा, और क्योंकि अभी बाइडन वीकनेस भी नहीं दिखाना चाहते, बाइडन बन के आए थे रोनाल्ड रीगन, बन के रह गए हैं जिमी कार्टर, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि एक वीक प्रेसिडेंट के तौर पे वो सामने आए, ऑलरेडी उनके अप्रूवल रेटिंग्स कम है। ईरान बहुत उनके साथ एग्रेसिव है क्योंकि ईरान के पीछे रशिया और चीन खड़े हैं, तो ईरान की नई सप्लाई नहीं आती। लीबिया का लगभग 2 लाख बैरल दिन का कम हो गया है क्योंकि उनके प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो नई सप्लाई आनी मुश्किल है। रशिया अगर आप देखें, रशिया जो उसका कोटा है उससे कम पंप कर रहा है, तो ये भी दर्शा रहा है कि रशिया के पास कैपेसिटी नहीं है और ऑयल पंप करने की। अमेरिका में जो रिग काउंट है दीप, वो लगभग 75% चल रहा है अभी 2019 का, और वहां भी हम देख रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर कंपनियां थी, छोटी कंपनियां, वो ज्यादा कैपिटल एफिशिएंसी के तौर पे आ रही हैं, और दूसरा ESG के कारण, ये सस्टेनेबिलिटी के कारण नए इन्वेस्टर भी जुटा पाना मुश्किल हो रहा है। तो यूएस की जो नए ड्रिल्ड वेल्स हैं जो तैयार है उत्पादन करने के लिए, वो भी 5,000 से 3,000 पे आ गए हैं, और नए वेल खोदे नहीं जा रहे क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा, दूसरा एफिशिएंसी की तरफ लोग देख रहे हैं। तो सप्लाई बढ़नी मुझे नहीं दिखती, डिमांड लगभग 2.5 मिलियन बैरल अगले साल बढ़ने की उम्मीद है, तो लगभग सेकेंड क्वार्टर में हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा एक मार्केट में टाइटनेस आ सकता है, बट उसके बाद हम देख सकते हैं कि यूएस की डिमांड शायद लौटे जब प्राइसेस और बढ़ेंगी, तो यूएस के जो उत्पादक हैं उनके लिए बढ़ेगा और उनके हित में रहेगा।
बाकी है इराक, अगर इराक और ऑयल पंप कर सके तो वो कर सकता है। सऊदी के पास भी है 2 मिलियन बैरल पर डे की कैपेसिटी, तो जो 3 मिलियन की अभी कटौती चल रही है ओपेक प्लस में, उसमें सऊदी और इराक ही उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। कोविड अगर बढ़ गया तब तो बदल जाता है सिनेरियो, इसलिए लोग 117 का लगा भी लगा रहे हैं, बट ओवरऑल हमें 75 से 85 के बीच में तेल अगले साल लगता है। आयरन ओर गिरा है, $233 का भी पहुंच गया था मध्य भाग में पिछले साल, अभी 100 पे आ गया, 100 के करीब ही दिख रहा है, क्योंकि चाइना का प्रॉपर्टी डेवलपर्स वो सबसे ज़्यादा हैं जो उत्पादन करते हैं और जो खपत होती है। तो वहाँ हमने देखा है कि चाहे इन्वेंट्रीज कम ज़रूर हुई हैं बट वो ज़्यादा उठा नहीं रहे, ना ब्राज़ील से ना ऑस्ट्रेलिया से, तो आयरन ओर कम लग रहा है, स्टील भी लग रहा है इसी लेवल पे रहेगा, बट गिरेगा नहीं यहाँ से, और गिरना जो गिरावट थी वो हो चुकी, तो यहाँ से गिरना मुश्किल है। अगर चाइना का स्टिमुलस आता है, जो हमें लगता है कि उनके लूनर ईयर के बाद एक स्टिमुलस आ जाएगा मार्च अप्रैल में, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी इकोनॉमी तेज़ी से एक ठहराव पे आ रही है, तो बिना स्टिमुलस के उनकी गाड़ी चलेगी नहीं। अगर स्टिमुलस आता है तो आयरन ओर और स्टील दौड़ेंगे। एल्यूमिनियम बहुत अच्छा कर रहा है, एल्यूमिनियम की खपत ज़्यादा है और सप्लाई नहीं है, तो एल्यूमिनियम अच्छा करेगा, एलिवेटेड रहेगा। कॉपर रिन्यूएबल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चलते बढ़ेगा, तो कॉपर 10,500 के लेवल से 8,000 तक भी आया, हमें नहीं लगता यहाँ से गिरेगा, तो लॉन्ग टर्म एवरेजेस पे बना रहेगा। एग्री कमोडिटीज में दीप, वीट में प्रॉब्लम है, गेहूं में, क्योंकि ड्राउट हुआ कनाडा में, ब्राज़ील में, यूएस में, यूएसएसआर, रशिया में, और रशिया यूक्रेन अगर चलता है, रशिया ने ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स पे पाबंदी लगाई है जिसके चलते गेहूं की कीमतें बढ़ी, तो अगर वो पाबंदियां लगी रहीं तो गेहूं रहेगा। कॉफ़ी का 25% गिरा उत्पादन ब्राज़ील में, अगेन सूखे के कारण, और जो लानीना इफेक्ट आ रहा है ब्राज़ील में, लगता है कि वर्षा इतनी अच्छी नहीं होगी इस साल, उसके चलते हो सकता है कॉफ़ी जो 225 सेंट पे पहुंच गई थी, $1.5 की कॉफ़ी थी वो $2.5 पे पहुंच गई थी, और फिर अभी $2.25 पे है, लगता है कि वो एलिवेटेड रहेगा। शुगर में एथेनॉल वगैरह के कारण और ब्राज़ील में प्रोडक्शन कम होने के कारण शुगर भी एलिवेटेड 20 सेंट पे लग रहा है। तो ओवरऑल कमोडिटीज़ अच्छा करेंगे, उतना अच्छा नहीं करेंगे 2021 जैसा, बट गिरेंगे भी नहीं। तेल बढ़ सकता है, तेल बहुत डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करेगा, बट 80 से आसपास ही हमें $5-10 दोनों तरफ दिखता है। और आखिर में सोना ज़्यादा इस साल भी हमें उम्मीद नहीं है, $1,600 से $1,900 की है रुझान जो बड़ी कंपनियों ने दिए हैं, हमें लगता है नीचे की तरफ ही, क्योंकि डिमांड नहीं आ रही सोने में लौट के। और नॉर्मली हाई इन्फ्लेशन के टाइम हम देखते थे कि सोना आगे भागता था, वो नहीं भागा है, स्पेशली भारत में 55,000 से जो 48,000 आया पिछले एक साल में और नेगेटिव रिटर्न दे गया, लगता है इस साल भी एट बेस्ट साइडवेज रहेगा, एट वर्स्ट थोड़ा और गिरावट हो सकती है सोने में। ये तो पूरा का पूरा आउटलुक बग्गा सर की तरफ से आपके पास बाजार का आते हुए दिख रहा है, किस तरह से कमोडिटीज परफॉर्म करेंगी। एक और साल हो सकता है जहां पर कमोडिटी का दबाव बना रहे, पर वैसा नहीं जो पिछले 2 साल में देखा, और स्पेशली कच्चे तेल पर यहां से और ज़्यादा उछाल की उम्मीद सर को नहीं है, तो शायद थोड़ी राहत की बात हमारे लिए कि जिस तरह के प्राइजेस हमने कच्चे तेल के देखे थे वो शायद उससे और ऊपर नहीं जाएं। पर सर रुपए का क्या होगा, क्योंकि अगर फेड दरें बढ़ाएगा, स्टिमुलस कम होगा, तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट डॉलर पर भी आएगा। हमने ऑलरेडी रुपए को देखा, एक बार तो ऑलमोस्ट 77 के लेवल तक आ गया था, रुपए का क्या होगा सर? रुपया 76 से ज्यादा नहीं जाता, आरबीआई उसको बढ़ने भी नहीं देगा। तो अगर आप फ्लोस की तरफ देखिए पिछले साल हमें $39 बिलियन स्टार्टअप्स के मिल गए, जो लॉन्ग टर्म पैसा अंदर है, FDI अच्छा चल रहा है, PLI स्कीम के तहत बहुत सारा पैसा भारत में निवेशित होगा। सेकेंडरी मार्केट से ज़रूर लगभग 1,00,000 करोड़ निकला है जनवरी से दिसंबर के बीच में, बट उसके सामने अगर आप प्राइमरी मार्केट में देखें तो 75,000 करोड़
NFIs ने डाल दिया भारतीय मार्केट में, तो क्या ट्रेंड्स हैं? हाँ, इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलता है जब डॉलर स्ट्रांग होता है. क्या डॉलर बहुत स्ट्रांग हमें होते दिखता है? नहीं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी को हर्ट करता है. एक लेवल आ जाता है जहाँ अनस्टेटेड करेंसी वॉर शुरू हो जाती है, तो डॉलर इतना आगे बढ़ते हमें नहीं दिखता है. तीसरा, भारत में कहीं कई तरह के विकल्प हैं फॉरेन इन्फ्लोज आने के. हाँ, सेकेंडरी मार्केट से पैसा शायद निकलता रहेगा, बट प्राइमरी मार्केट में इतना पैसा आ रहा है और आगे भी चल के बहुत ज़्यादा IPOs की उम्मीद है. LIC का IPO ही 1 लाख करोड़ के करीब का उम्मीद है, तो ये साल भी बहुत स्ट्रांग रहेगा प्राइमरी फ्लोज के लिए. और हो सकता है FI सेकेंडरी से पैसा निकाल के प्राइमरी में डालते रहें, ये बहुत बड़ी गुंजाइश है दी. ओके, तो IPO के लिए एक बार फिर से अजय सर कह रहे हैं कि एक बड़ा साल हो सकता है. ऑलरेडी ग्लोबली IPO के लिए 2021 हमारे बाजार के लिए 65 IPOs हमने आती हुई देखी, ये भी बड़ा साल रह सकता है. और जो ये पैसा है ये इक्विटी से या करंट स्टॉक से निकलकर IPOs में भी जाते हुए दोबारा दिख सकता है, तो ये एक बड़ा फैक्टर है. अच्छा सर, आपसे पहले जब कमोडिटीज़ की बात हुई तो आपने कमोडिटी सुपर साइकिल की बात करी थी. इसी तरह की एक और सुपर साइकिल की बात चल रही है बाजार में IT सेक्टर के लिए जो आने वाला है और अगले 3-4 साल काफ़ी अच्छे रह सकते हैं. एक्सेंचर के नंबर्स में तो ऑलरेडी हमने देखा भी है. आपकी क्या राय है, क्या IT भी एक नए साइकिल की तरफ मूव कर रहा है? जी बिल्कुल दीप. और क्या हुआ है, ये जो कोविड के कारण जो अगले 10 साल के रुझान थे वो 2 साल में आ गए हैं दीप. तो ये जो चेंज हुआ है, न्यू नॉर्मल आ गया है कि डिजिटाइजेशन का, ऑटोमेशन का, और साथ में जो बहुत उपलब्धियां हो रही हैं, ये DeFi हो, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स हो, पूरा ये जो ब्लॉकचेन का जो एक एनवायरनमेंट है, Web3 हो गया, Web 3.0 हो गया, मेटावर्स जो हो गया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां, मेरे जो कंसल्टेंसी में जो मित्र हैं, अभी आपने देखा होगा LIC ने एक कॉन्ट्रैक्ट जारी किया कि वो डिजिटाइज करना चाहते हैं, बहुत बड़ा भारी भरकम वो एक डिजिटाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट रहेगा. ऐसे मैंने देखा कई मैन्युफैक्चरर्स ने Big 4 को ये कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं कि हमारा पूरा आप ERP तो ठीक है मैन्युफैक्चरिंग साइड में, बट ओवरऑल हमारे पूरे ऑपरेशंस को आप डिजिटाइज कीजिए, ऑटोमेट करिए, और इसके जो एग्जीक्यूटर होंगे वो हमारी IT कंपनियां होंगी. तो बहुत एक ग्लोबल ट्रेंड है. क्लाउड हो गया जैसे, तो जो सर्वर आप कंपनी में रखते थे आप वेब पे रखेंगे, तो बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं और जहाँ पे आप वेब के थ्रू अपना डेटाबेस रखेंगे, अपनी कंपनी में नहीं रखेंगे, आउटसोर्सिंग का एक और रुझान शुरू हो रहा है. तो ये कोविड ने जैसे 2000 का Y2K का जो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला था हमारी IT कंपनीज को, वैसा ही ये कोविड के ट्रेंड से बूस्ट मिल रहा है दीप ग्लोबल IT कंपनीज को. और ये जो सर्विस सॉफ्टवेयर है, सर्विस में जो हमारी कंपनियां बैठी हैं उनको बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा है. तो ये सुपर साइकिल ही कह सकते हैं. इनफैक्ट आपने वो देखा होगा, एक रिसर्च आई थी कि भारत का जो सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट है वो सऊदी अरब के तेल एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो गया है. और मुझे याद है जब मैकेंजी की रिपोर्ट 1990 के दशक में आती थी, प्रमोद भसीन साहब हमारे GE के हेड थे और उन्होंने उस कमेटी को भी हेड किया था, और तब हमें लगता था वो $20 बिलियन का एक्सपोर्ट कैसे होगा, जस्ट सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट, हवा में एक्सपोर्ट. और अब देखिए $150 बिलियन का भी एक्सपोर्ट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है. तो बहुत इन कंपनी में ESG वाइज भी अच्छी हैं, ये प्रोडक्टिविटी वाइज अच्छी हैं, पूरा ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन और क्लाउड, ये जो पूरा इनका ABCD चल रहा है, ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, क्लाउड और डिजिटाइजेशन, ये बिल्कुल जो चल रहा है ये बहुत ही एक सुपर साइकिल बनाता है. IT कंपनीज में बिल्कुल मैं निवेश की सलाह दूंगा. बिल्कुल, तो IT पर रखिए नज़र और IT में निवेश के ABCD भी बग्गा साहब ने आपको समझा दिए हैं जो इनके आगे जाकर और बड़े ग्रोथ ट्रिगर बन चुके हैं. हमने भी आपको एक्सक्लूसिव रिसर्च दिखाई थी कि कैसे IT 2022 के लिए तैयारी कर रहा है. अच्छा सर, हर बार आपसे जब मिलते हैं तो आप एक बेहतरीन बुक और कोट, अपनी पसंदीदा बुक बताते हैं, तो एक आई थिंक आज एक स्पेशल बुक आप चूज करके लाए आज के शो के लिए, बताएं सर इसके बारे में और आपका जो पसंदीदा कोट है ये भी बताएं. जी दीप, आपको पता ही है कि मुझे वैल्यू इन्वेस्टिंग पसंद है और ये वैल्यू इन्वेस्टर जो हैं, मैं वॉरेन बफेट और उनके जो पार्टनर हैं, उनके जो कोलीग हैं चार्ली मंगर,
उनका 98वां जन्मदिन था, 98th बर्थडे था परसों उनका, 2 तारीख को, और उन्हीं की किताब है, एक ट्रेंट ग्रिफिन ने किताब लिखी है, चार्ली मंगर द कंप्लीट इन्वेस्टर। तो इनके कोट्स से इन्होंने पूरा इनका जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो बनाई है। छोटी सी किताब है, एक दिन में पढ़ी जा सकती है या जिंदगी भर आप रख सकते हैं अपने टेबल पे और रेफर कर सकते हैं। और इनका एक कोट जो मुझे बहुत पसंद है, वो एक मैथमेटिशियन थे, यूरोपियन मैथमेटिशियन कार्ल गस्टाव जेकोबी, और जेकोबी ने क्या कहा था, इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट, कि अगर प्रॉब्लम आप सॉल्व करने चाह रहे हैं, आप सोचते हैं अच्छा ये तरीका ठीक होगा, तो जैसे हमारे उपनिषदों में नेति नेति बोलते हैं कि ये भी नहीं ये भी नहीं, और फिर हम सच्चाई की तरफ पहुंचते हैं, इनका इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट है कि क्या नहीं होना है वो छोड़ के फिर जो बच जाता है वही होगा। तो अगर आपको पैसे बनाने हैं तो आप ऐसा शुरू करिए, मुझे पैसे नहीं खोने, और पैसे खोने के क्या क्या तरीके हैं वो मैं पहले वर्कआउट कर लेता हूँ, फिर पैसे बनाने का तरीका बच जाता है। तो ये इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट इनका बहुत फेमस वक्तव्य है, काफ़ी इन्होंने टॉक्स भी दी हुई हैं, अगर आप वेब पे जाएं चार्ली मंगर को सर्च करें, इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट देखें, बहुत तरीके इन्होंने सिखाए हुए हैं। और कहते हैं कि ब्रिलियंट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हाई IQ की ज़रूरत नहीं है, अगर आप गलतियां ना करें और अगर आप फुलिश चीज़ें ना करें तब भी आप निवेश में सफलता पाएंगे। तो ब्रिलियंस की ज़रूरत नहीं है, अगर आप गलतियां भी कर सकें कि गलतियां भी ना करें तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मुझे बहुत पसंद आया कोट इनका, इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट। जी जी बिल्कुल, और सभी तरह के निवेशकों के लिए एक अच्छी बात है, स्पेशली जो नए निवेशक हमारे साथ जुड़े हैं पिछले 1-1.5 साल में, कि पैसा कैसे ना गवाएं ये पहले जानना जरूरी है, और उसके बाद आप एक बड़े बढ़िया इन्वेस्टर बन सकते हैं। शुक्रिया बग्गा साहब, एज़ ऑलवेज आपके साथ मज़ा आता है, और हर हफ्ते भी बग्गा साहब हमारे साथ जुड़ते हैं, बट ये एक खास शो था, साल 2022 के लिए बग्गा साहब का क्या आउटलुक है ये जानना ज़रूरी था। एज़ ऑलवेज जी बिजनेस पर बग्गा साहब आपके साथ हमेशा जुड़ते रहेंगे और ऐसे ही अपने इनसाइट शेयर्स करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपसे जल्द फिर से होगी मुलाकात। फिलहाल हमारे स्पेशल शो में बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।